नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में, जहां मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत, जहां मैं ये कहना चाहूंगी, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जीत पर अड़ तो सही। कर लीजिए जीत, मैंने कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में बात हुई थी आपसे, कर लीजिए जीत। मुझे चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए? आपको पता होगा शिवाजी से उनकी माताजी ने कभी भी खिलौने की डिमांड नहीं की थी। उन्होंने कहा मेरा जिद है शिवनेर का किला, और शिवाजी ने भी उसको अपना जिद बना लिया था, जुनून बना लिया था और उसे पा लिया। तो जब ऐसा हो सकता है जो मेरा इतिहास का गौरव गाथा कहता है, हम लोग तो इन्हीं को सुन के बड़े हुए हैं, तो जब हमारा इतिहास का गौरव गाथा ऐसा कहता है कि जिद में जुनून में हम लोग हमेशा सफल हुए हैं, तो आज क्यों नहीं? कहा जाता है ना, इतिहास से सीखकर वर्तमान को देखकर तब आप आगे बढ़े, भविष्य आपका उज्जवल होगा। तो आज क्या किया जाए, इसी पहलू पर फिर से अपनी क्लास स्टार्ट की जाए। याद रखिएगा, अगर हम नियमित पूरे पेपर को, सिलेबस को, सारी कक्षाओं को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ आप नियमित बने हुए हैं, हमारी जो कोशिश है आपको सफल कराने की, आपकी भी जिद है उस सफलता को लेने की, तो अगर आपको इतना अच्छे तरीके से हम सारी चीजें दे रहे हैं, तो आपका एकमात्र काम है कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और पढ़ते रहे। कल हमने पढ़ा था संविधान क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था, संविधान क्या है। फिर हमने चर्चा किया था किसी भी देश में संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान क्यों बनाया जाता है, हमने दो बात की थी। तीसरा टॉपिक रह गया जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमें आज करना था कि संविधान के बनने में अर्थात संविधान निर्माण में हमारी जो पृष्ठभूमि थी, इतिहास था, हमारे जो बलिदान थे, हमारे जो आंदोलन थे और हमारी जो मांगे थी वो क्या थी और किस प्रकार वो आगे बढ़ रही थी। क्या भारतीय संविधान नहीं बना था तो भारत में कार्य नहीं हो रहे थे? क्या भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था तो भारतीय लोग जीवन नहीं जी रहे थे? सब जी रहे थे मैंने बताया, लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम थी लोगों को यही नहीं पता था कि जीवन और गरिमापूर्ण जीवन, मेरा काम और मेरे काम का अधिकार, मैं एक मानव हूं अथवा मैं एक गरिमापूर्ण मानव हूं जिसका अपना सम्मान है, मैं जीवित हूं इसलिए मेरा सम्मान है, तो मेरे मरने के बाद मेरी लाश, मेरी डेड बॉडी पर भी उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए, यह भी अधिकार होता है। हमें नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हम वास्तव में उस नियम कानून के बारे में नहीं जानते थे जिसकी हम मांग कर रहे थे। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि संविधान जब बना तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जिसके लिए हमें एक बार लौटना होगा 1950 से 1947 का जो अधिनियम था, इन सब से एक बार हमें पीछे लौटना होगा। और पीछे लौटकर हमें क्या देखना होगा, तो हमें वो कालखंड देखना होगा जब भारत में मुगलों का शासन था, जब भारत में मुगलों का शासन था, हमें तब देखना होगा। और उस दौरान जब मुगलों का शासन था, उस दौरान क्या हो रहा था भारत में, तो उस दौरान भारत में शरीयत, इस्लाम, हिंदू देवी देवता अर्थात धर्म पर आधारित कानून चल रहे थे। वहां का, भारत का उस कालखंड के समय शासन प्रणाली का वास्तविक स्वरूप क्या था, तो शासन प्रणाली का वास्तविक स्वरूप था धर्म। और धर्म किस प्रकार, जो शासक उसका धर्म हर जगह प्रचलन में था और बाकी लोगों के जो धर्म थे, जो अधिकार थे, वो उनके अपने निजी जीवन में समाहित थे, लेकिन सब जीवन जी रहे थे।
राजा के प्रति प्रजा का सम्मान था, प्रजा में राजा एक दूसरे के साथ जी रहे थे और लगभग कई वर्षों तक इन्होंने जीवन जिया। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी में, 1600 ईस्वी में बेसिकली मैं इसको बोल दूं कि 1599 के आसपास, 1599 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हो रहा है। किसका उदय हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हो रहा है। कहां में हो रहा है? यूरोप में हो रहा है। यूरोप में इंग्लैंड में हो रहा है। ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? तो कुछ व्यापारी वर्गों द्वारा बनाई गई एक कंपनी थी जो भारत के लोगों से जल और थल के माध्यम से व्यापार कर रही थी। और व्यापार कहां हो रहा था? तो कुस्तुनतुनिया पे हो रहा था। वहां से वो व्यापारी आते थे, यहां से भारतीय जाते थे, माल एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, बदले में सोना चांदी जेवरात जो भी लेते थे, जो भी सामानों का आदान प्रदान होता था, काम हो रहा था। जब ऐसा हो रहा था तो उसके बाद क्या कंडीशन घटती है, उसके बाद ये आपको एक संक्षेप में मैं कहानी बता रही हूं। इसलिए बता रही हूं कि हम भारतीय संविधान जो बना है उसके पीछे के जो संवैधानिक काल का विकास, जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जो हमारे यहां हर एग्जाम के सिलेबस में होता है और इसमें भी है, संवैधानिक काल का विकास। यानी ये क्या है? तो ये संविधान के विकास की, संविधान के निर्माण की जो आधारशिला है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें हमने क्या बात किया है? तो हमने आपको बताया है कि 1599 के आसपास यूरोप में एक कंपनी का निर्माण हुआ है, और वो कंपनी कौन थी? तो वो कंपनी उसके पहले भी अस्तित्व में थी, पॉइंट याद रखिएगा, वो कंपनी इसके पहले भी अस्तित्व में थी जो व्यापार करती थी भारत के साथ। इसमें अच्छे व्यापारी, यानी जैसे किसी जगह के बड़े समूह के व्यापारी थे, वो प्रत्यक्ष व्यापार करते थे भारत के लोगों के साथ, और व्यापार में अपना अपना प्रॉफिट देखते थे, भारतीय भी अपना प्रॉफिट लेते थे, ये भी लेते थे और वहां से चले आते थे। ऐसे व्यापार के समय कुस्तुनतुनिया नगर पर जब तुर्कों ने अपना आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, तो अधिकार करने के साथ ही साथ तुर्कों ने कहा कि आज से कुस्तुनतुनिया पर जो भी व्यापार करने आएगा माध्यम मैं रहूंगा और मेरे माध्यम से दोनों व्यापार करेंगे। तो दोनों लोगों को यह सौदा नहीं अच्छा लगा और दोनों लोग चले गए। जब चले गए तो वो जो व्यापारी वर्ग था जो भारत से अच्छी मात्रा में व्यापार करता था, प्रॉफिट लेता था, वो व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान, अब क्या किया जाए। तो अब ये 1519 का कालखंड कैसा कालखंड था? तो उनके यहां औद्योगिक क्रांतियां हो रही थी और धीरे धीरे उद्योग कारखानों का निर्माण हो रहा था। दो बातें याद रखिएगा, एक ये घटना घट रही थी कि व्यापारियों से व्यापार टूट गया था, दूसरा उस कालखंड में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी और इस औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे यूरोप में कई प्रकार के उद्योग कारखाने, छोटे बड़े कई प्रकार के व्यापारों का उदय हुआ है। अब जब ऐसे व्यापारों का उदय हुआ है तो कारण एक तरफ वो कंपनी, एक तरफ वो व्यापार जो हो रहा था वो टूटा, और वो व्यापारी परेशान जो यहां पे माल लाते थे और ले जाके उसे थोक में बेचते थे और कहीं कहीं फुटकर में बेच के फायदा ले रहे थे। और यूरोप में कंडीशन क्या थी? कृषि हो नहीं सकती थी, लोग अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ा रहे थे और ये लोग वास्तव में काफी बुद्धिशाली प्राणी थे, काफी विकसित थे शुरू से ही, तो कहा जाए ये इतने बौद्धिक चेतना में आगे थे कि ये कार्य इनके यहां होने लगा था। अब मान लीजिए इन सब के लिए जो थोड़ा बहुत माल थोक और ये सब में ये व्यापारी ला रहे थे, लाना बंद हो रहा था। उद्योग, यानी अगर आपसे कह दूं कारखाना कपड़े की लगाइए तो इसके लिए सूत की जरूरत होगी, कपास की जरूरत होगी, ये कच्चे माल कहां मिलेंगे? इन सब के लिए जो कच्चे माल मिल सकते थे, वो कच्चे माल की प्राप्ति कहीं हो सकती थी तो वो था केवल और केवल पूर्वी एशियाई देश। कहां था?
पूर्वी एशियाई देश था। और ऐसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ ये व्यापार करना चाह रहे थे। ऐसे पूर्वी एशियाई देश के साथ ये व्यापार करना चाह रहे थे। कौन चाह रहे थे? तो ये जो उस समय व्यापार कर रहे थे, इन्हीं व्यापारियों की हम बात कर रहे हैं। व्यापार टूट गया है। जब व्यापार टूट गया है तो इन्हें व्यापार करने का एक नया रास्ता चाहिए। अब उस पर बात हो रही है। ये पूर्वी एशियाई देश इन्हें कच्चे माल भी दिला सकते थे। यानी अब क्या था, तो अब इन सब की जरूरत, इनका विचलन, जो इनका व्यापार टूटा था, ये सब एक प्रकार से इतने अच्छे कारक बन गए कि लोग अब चाह रहे थे कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार हो। चूंकि ये व्यापार इनका खुद का था, यानी ये संगठन कैसा था, तो जब तक 1599 तक ये संगठन इन्हीं व्यापारियों का था। तो जब इन्हीं व्यापारियों का था तो इनको प्रॉफिट हो रहा था। जब इन्हें प्रॉफिट हो रहा था तो सरकार इसमें मदद तो करेगी नहीं। दूसरा, औद्योगिक क्रांति और इन सबके कारण जो लोग आगे बढ़ रहे थे, जो शहर की ओर भाग रहे थे, वो भीड़, जैसे हमारे यहां जब सड़क चौड़ीकरण होनी थी, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, इन सबका जब विकास होना था, आपने देखा होगा न जाने कहां से भीड़ एक साथ शहरों में दिखने लगी थी। लगता नहीं था कि ये भीड़ जाएगी कहां। बाद में कार्य हुआ और भीड़ अपने अपनी जगहों पे चली गई। यहां भी वही कंडीशन थी। लोग दूर दराज से आके मुख्य केंद्र पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े हो गए। अब इन सब के कारण इन लोगों ने अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहा और इन लोगों ने ब्रिटिश सम्राट से मदद मांगी। ब्रिटिश सम्राट एक पद है, उस पर महारानी भी बैठ सकते हैं, महाराज भी बैठ सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक पद का द्योतक है, किसी भी प्रकार के जेंडर का द्योतक नहीं है, वही है यहाँ पे। इन लोगों ने ब्रिटिश सम्राट से मदद मांगी और ब्रिटिश सम्राट ने मदद देने से इनकार कर दिया और क्या कहा कि अगर मैं आपको भेज भी दूं तो ये तो सरकारी कंपनी नहीं है, यह आपका खुद का संगठन है, तो मैं आपको किस आधार पर भेज दूं? और फिर मैं भेजू तो मुझे क्या फायदा होगा? तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर आप हमारी इस प्रकार मदद करेंगे तो विदेश देश हर जगह दूर दराज में आपके धन धर्म और ध्वज का फायदा होगा। धन धर्म और ध्वज का फायदा होगा, राज्य की आमदनी बढ़ेगी, ईसाई धर्म का प्रचार होगा और ब्रिटिश सम्राट का यूरोप का झंडा दूर तक जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। अब सम्राट ने कहा ठीक है, मैं करने को तैयार हूं। और उन्होंने इसी कंपनी को एक नाम दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इतिहास का बेसिकली विषय है और इस इतिहास के विषय को चूंकि हमें संवैधानिक काल में पढ़ना होता है, इसलिए मेरी यही कोशिश है कि थोड़ा बहुत इतिहास को टच करते हुए मुख्य मुद्दा राजनीति का बना रहे, जो हमारा विषय है संविधान, और हम लोग उसी में इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके समझ जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया और इसे कहा यह एक सरकारी कंपनी है। क्या है? तो यह एक सरकारी कंपनी है। और किसकी कंपनी है? ब्रिटिश सम्राट की कंपनी है। और ये जो संगठन के व्यापारी है, ये ब्रिटिश सम्राट के कर्मचारी है। यानी अब सरकारी कर्मचारी हो गए आप और सरकारी कंपनी हो गई, तो आपका वेतन फिक्स हो गया। प्रॉफिट किसका? सम्राट का। अब जब सरकारी कंपनी है तो पहली बार 1600 ईस्वी का राजलेख पारित हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है 1600 ईस्वी का राजलेख अथवा अवज्ञा पत्र, अथवा अवज्ञा पत्र पूछा जाता है ये सवाल कि क्या है। तो ये 1600 ईस्वी का राजलेख है जो ये बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सम्राट की सरकारी कंपनी है और यही एकमात्र यूरोप की ऐसी कंपनी है जो पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार रखेगी। क्या कहा गया? इस अवज्ञा पत्र के माध्यम से कहा गया कि यह एक सरकारी कंपनी है और इसके जो कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी हैं, और यह एक अवज्ञा पत्र है जिसे लेकर यह कंपनी जा रही है पूर्वी एशियाई देश, जहां पर मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप की ऐसी एकमात्र कंपनी है जो पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार रखेगी। इसका मतलब
किसी अन्य कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं है। एकमात्र अधिकार किसके पास है? व्यापारी के एकाधिकार 1600 में जो निर्मित कंपनी जिसे मैंने नाम दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, जब ये कंपनी निर्मित हो गई और ये कंपनी पहुंचती है भारत, पूर्वी एशियाई देशों में पहुंचती है, और ऐसे पूर्वी एशियाई देशों में जब कंपनी पहुंचती है तो सबसे पहले कंपनी अपना कारखाना, पहला कारखाना अथवा पहली कोठी कहां डालती है? सूरत में डालती है। सूरत में डालती है, और सूरत में जब इस कंपनी का पहली कोठी जब इस कंपनी की सूरत में खोली जाती है, उस समय मुगल सम्राट जहांगीर था, और जहांगीर से इस कंपनी ने अनुमति मांगी। क्या मांगी? अनुमति मांगी, और ऐसे अनुमति मांगी कि यहां पर याद रखिएगा, अभी तक मुगल सम्राट के फरमान जारी हो रहे, दस्तक जारी हो रहे, जिस पर मुगल सम्राट के मुहर लगे होते थे। यानी अब तक कंपनी क्या कार्य कर रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम 1773 की ओर बढ़ेंगे, जो संवैधानिक काल के विकास की पहली सीढ़ी है। तो जब सूरत में इन्होंने पहली कोठी खोली है, तो जहांगीर से अनुमति मांगी, और जहांगीर द्वारा इन्हें फरमान और दस्तक भी आगे चलकर दिए गए। ये क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार का पास होता है जो दिया जाता है कंपनी को और बाहर से आए लोगों को, उनके संगठन को, कि आपको ये फरमान जारी हुआ है मुगल सम्राट द्वारा, आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तो जब व्यापार के लिए इन्होंने कोठी डाली, अब क्या हुआ? धीरे धीरे सूरत में व्यापार हुआ, फिर ये आगे बढ़ना शुरू किए, यानी अभी स्थायी हो गए। और केवल याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो व्यापार करने भारत आई, और कुछ लोगों के साथ आई है, कुछ लोग जिसमें एक गवर्नर है और उसके कुछ परिषद के सदस्य हैं। और अभी गवर्नर जनरल जैसे शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है, अभी गवर्नर जनरल जैसे शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है। और ये कंपनी जो आई है वो सूरत में जब अपना पहली कोठी डाल चुकी है, तो उसको लगा कि चूंकि यहां सफल हो गया है, इसलिए अब वो क्या कर रही है? अब वो मुगल सम्राट को जी हजूरी करके, खुशामदीद करके मिला रही है, कभी उपहार देकर, कभी किसी प्रकार से, और अपनी कोठी का विस्तार कर रही है, अपनी कोठी का विस्तार कर रही है। और इसी विस्तार के क्रम में कोठी अपने कंपनी की घेराबंदी आरंभ हो गई। यानी इसी विस्तार के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन्होंने घेराबंदी आरंभ कर दिया। और ये घेराबंदी करते करते किधर मुड़ गए? तो ये घेराबंदी करते करते बंगाल की ओर मुड़ गए। जब ये कलकत्ता की ओर बढ़े हैं, जब ये कलकत्ता की ओर बढ़े हैं, तो इस दौरान कलकत्ता यानी बंगाल, जो कि शुरू से ही समृद्ध देश रहा है, मैं इसको देश नाम दे रही, समृद्ध राष्ट्र रहा है, समृद्ध राज्य रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी मुगल सम्राट की गुलामी नहीं बर्दाश्त की। यहां हमेशा से राष्ट्रभक्त लोगों के मनों में रहा है। अली वर्दी खां, फिर उसके बाद इस समय कौन है जब ये कंपनी कारखाना आगे बढ़ाने को सोच रहे हैं? इस समय अगर वहां पर कोई है नवाब, तो नवाब सिराजुद्दौला है, जिसके लिए कहा गया है कि इसे फूलों की सेज कभी नहीं मिले, कांटों की सैया मिली। यानी इसको अपने ही लोगों ने षड्यंत्र में घेर रखा था। अली वर्दी खां हमेशा सिराजुद्दौला को समझाता था कि ये जो अंग्रेजी कंपनियां है, यूरोपीय कंपनी है, ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी, और अगर आप इन्हें छेड़ दोगे तो ये काट के मार डालेंगी। लेकिन कंडीशन क्या बन गई? घेरेबंदी की जब बनी तो सिराजुद्दौला से बर्दाश्त नहीं हुआ, और सिराजुद्दौला क्या करते हैं? सिराजुद्दौला तत्काल इस पर रोक लगा देते हैं, तत्काल इस पर रोक लगा देते हैं। और रोक लगाने के बाद सिराजुद्दौला क्या कहते हैं? कहते कि किलेबंदी जो आपकी घेरेबंदी है, वो घेराबंदी आप अपने वहां तक, जहां तक आपके पास है सूरत और दिल्ली तक, वहां तक रखें। ये जो क्षेत्र है ये हमारा बंगाल है, और इधर आने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव को इस बात की जब सूचना मिलती है, एक बार सिराजुद्दौला सबको हटा देते हैं, सबको यहां से भगा देते हैं, अब घेरेबंदी नहीं होगी। जब रॉबर्ट क्लाइव को इसकी सूचना मिलती है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव सेना की टुकड़ी के साथ आता है। अब उसको समझ में आ जाता है, चूंकि बंगाल का नाम बहुत है, बंगाल के नवाब जो थे उनकी विजय की गाथा, उनके राष्ट्रप्रेम की गाथा सबके
मन में छाई हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया कि ये युद्ध हमें आसान तरीके से हम जीत नहीं सकते, और भारत का नाम दूर दूर तक इतना था। ये बार बार मैं लाइन आपको बता रही हूं क्योंकि यही पे जो युद्ध होगा वही युद्ध वास्तव में कारण बनेगा और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होगी वो वास्तविक रूप से एकमात्र कारण होगा इनके बसने शासन करने का। तो 1757 के जो युद्ध है इसकी पृष्ठभूमि क्या कह रही है कि रॉबर्ट क्लाइव अभी घबरा रहा है, उसको समझ में आ गया कि युद्ध नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, तो क्या करता है वो षड्यंत्र करता है और पहली बार फूट डालो राज्य करो षड्यंत्र करने की ये नीति बनाना शुरू करते हैं। और इस दौरान बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक दूसरे के आमने सामने है। अब क्या कंडीशन बन रही है, सिराजुद्दौला के साथ इसका जो सेनापति है मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद, ये सब क्या है, ये इनके साथ है लेकिन दिख तो रहे हैं मगर वास्तविक रूप में वो उनके साथ खड़े नहीं है। इधर पूरी की पूरी सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव खड़े हैं, पूरी की पूरी सेना के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये क्वेश्चन आप इसको इतिहास से समझ लीजिए, चाहे आप इसको संवैधानिक काल का विकास राजनीति विज्ञान से समझ लीजिए। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, अंग्रेजों के बीच युद्ध कहां हुआ है, तो ये हुआ है नादिया जिले में, बंगाल के नादिया जिले में प्लासी नामक स्थान पर, इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी नामक स्थान पर हुआ है और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सिविल में भी अन्य एग्जाम में भी कि प्लासी जो है जहां पे 1757 का युद्ध हुआ है, 1757 प्लासी का युद्ध, इस नाम से ये फेमस है। ये प्लासी कहां स्थित है, तो ये मुर्शिदाबाद बंगाल के 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर नादिया जिला है वहां है, और ये कहां है तो भागीरथी नदी के किनारे है। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, गंगा ऑप्शन में रहता है लेकिन वास्तव में ये इसका नाम यही है, भागीरथी नदी के किनारे है। ये जब युद्ध हुआ तो अब रॉबर्ट क्लाइव में मीर जाफर और ऐसे जो लोग जो सिराजुद्दौला के साथ नहीं थे, जो केवल उनके साथ रहते थे मगर सिराजुद्दौला के प्रति उनके मन में कहीं भी सम्मान नहीं था, वो क्या कर रहे हैं, वो रॉबर्ट क्लाइव की ओर है और प्लासी का जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो एक प्रकार से षड्यंत्र लड़ा जा रहा है, ना कि युद्ध हो रहा है। फिर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये युद्ध होता कब है, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। अब ये प्लासी का युद्ध जो हो रहा है इसमें आप समझ लीजिए, मैंने सिंपल छोटे तरीके में छोटे फॉर्म में आपको सारी कहानी सुना दी है, आपको समझ लेना चाहिए कि सिराजुद्दौला अकेला पड़ा है, बाकी इसके साथ वाले मीर मदान और ये सब, ये इतिहास का मैटर आप समझेंगे, बाकी सब लोग इसके विपरीत है लेकिन साथ दिखा रहे हैं और सब किसके साथ है, इनके साथ है। कारण आपको पता है कि चूंकि इनके प्रति इनके मन में श्रद्धा भाव नहीं थी, कभी भी नहीं थी, एक बात। दूसरा परिणाम क्या होगा, तो परिणाम होगा षड्यंत्र जीत जाएगा, इसका मतलब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाएंगे, और होगा क्या, बंगाल हार जाएगा, इसका मतलब भारत पहली बार ही किसी विदेशी सत्ता से हारा हुआ दिखेगा, और प्लासी के युद्ध में पहली बार अंग्रेजों को यह जता दिया कि भारत में हम मजबूत हो सकते हैं, युद्ध जीता जा सकता है। मगर चूंकि यह युद्ध षड्यंत्र के द्वारा था इसलिए अभी भी अंग्रेजों के मन में यह भय था कि भारत बहुत गौरव गाथा वाला देश है,
कौन सा युद्ध? 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। ये युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को पहली बार प्रयोग किया, मगर शक्ति से ज्यादा इन्होंने षड्यंत्र का प्रयोग किया, इसलिए अंग्रेजों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंट आ नहीं पाया है। अब प्लासी तो गई गई, यानी बंगाल अब गया, और अब क्या था, बंगाल पर इनका राज्य, और अब ये प्रेसिडेंसी नगर बनाना आरंभ, प्रेसिडेंसी नगर बनाना आरंभ। और कहीं कहीं जगह ऐसा भी था कि जहां ये मुगल सम्राट से किसी भी प्रकार के अनुमोदन को अनिवार्य नहीं मान रहे। अब क्या था, धीरे धीरे कालखंड बढ़ता गया और ये आगे को बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा और बढ़ी। अब ये अपनी कोठियों का विस्तार भी कर रहे हैं और मामलों में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एक घटना भारत में और घट रही है, एक घटना भारत में और घट रही है, 22 अक्टूबर 1764 की घटना। के बाद की प्रमुख घटना कौन सी थी, तो बक्सर का युद्ध था। 22 अक्टूबर 1764 में क्या होता है, 1757 प्लासी का जो युद्ध था जिसने अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी, उसको ये आगे बढ़ाकर अपना कार्य साध रहे थे। और अब नवाब जो थे, जैसे मुगल सम्राट, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम बंगाल का नवाब, अब वो भी परेशान है, बंगाल का नवाब भी परेशान है इनके रवैये से, इनके लूट खसोट से। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इन सब के मन में अब क्या हो रहा है, तो इन सब के मन में अब ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति घृणा बन रही है, और अब उनको समझ में आ गया है कि अकेले रहकर युद्ध नहीं हो सकता। 1764 में क्या कार्य किया गया, बंगाल का नवाब अवध का नवाब मुगल बादशाह दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना, हेक्टर मुनरो प्लस अंग्रेजी सेना, ये सब आमने सामने है। उस समय भारत की सबसे मजबूत हस्तियों में, भारत की सबसे मजबूत हस्तियों में इन सब का नाम आता था। मीर कासिम यानी बंगाल का अपने आप में गौरवपूर्ण नाम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और एक तरफ अंग्रेजी सेना, ये क्या होता है, ये तीनों मिलकर अंग्रेजी सेना का विरोध करने जाते हैं और 1764 बक्सर का युद्ध हार जाते हैं। यहां वास्तव में लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की थी, यहां किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था, और अंग्रेजी सेना जैसे ही जीतती है वैसे ही अब इन्हें समझ में आ गया कि भारत की कोई शक्ति नहीं है। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने कहा अब हम व्यापार नहीं करेंगे, हम प्रशासन करेंगे। और प्रशासन कैसा करेंगे, हम इन्हीं से कच्चे माल खरीदेंगे, इन्हीं के यहां बनाएंगे, मजदूर इन्हीं को लेंगे, और जो चाहे मनमाने तरीके से फसल उगाएंगे और मनमाना कीमत हम इनसे वसूलेंगे। यानी क्या था, तो सब कुछ किसके हाथ में, सारी गेंद का गेंद किसके हाथ में आ गया, तो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। इस 1764 बक्सर के युद्ध ने निर्धारित कर दिया कि अब अंग्रेज व्यापार नहीं करेंगे, अब अंग्रेज क्या करेंगे, प्रशासन करेंगे जो उनके द्वारा खुद निर्मित होगा। यानी अब तक वो भारत जो गौरव गाथा लिए हुए बचा हुआ था, मुगलों के साथ जीवन जी रहा था, अब वो फिर से किसी विदेशी सत्ता के अधीन हो गया। किस लिए हो गया, क्योंकि हम वैसे भी एक नहीं थे, खंडों में बटा भारत था। संविधान तो हमें क्या कहता है, हम भारत के लोग, ये कहता है ना, यहां क्या है, यहां तो ये शब्द था ही नहीं, बंगाल अवध
मुगल बादशाह दिल्ली की तरफ बैठे हैं, सब अलग अलग थे। तो जब सब अलग अलग थे तो कौन किसके लिए लड़ रहा था? सब अपनी बचाने के लिए लड़ रहे थे कि अपनी सत्ता बची रहे, लेकिन कोई हमको नहीं बचा रहा था। हम मतलब हम एक होकर कोई नहीं लड़ रहा था। प्रॉब्लम इसलिए आई। अब क्या होता है इसके बाद की घटना? जब अंग्रेजी सेना विजय होती है तो एक काम और हुआ है। 1765 में इसी क्रम में अंग्रेजी सेना ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 1765 में जबरन इलाहाबाद की संधि करा ली। कैसे भैया? युद्ध से डर था, इसलिए अब क्या किया गया? इलाहाबाद की संधि हो गई। याद रखिएगा, पहली घटना जिसने बिल्कुल मजबूत बना दिया वो थी 1764 के बक्सर युद्ध की। दूसरी कौन सी थी? 1765 इलाहाबाद की संधि। और ये 1765 जो इलाहाबाद की संधि थी, ये सबसे खराब साबित होती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गया, ब्रिटिशर्स को मिल गया कि भैया क्या करिए, यहां पर चुंगी वसूलिए, कुछ भी करिए, दीवानी लेना आपका काम है। जो दीवानी, जो चुंगी, जो कर अब तक ब्रिटिश सम्राट ले रहा था, मुगल सम्राट ले रहा था, मुगल बादशाह ले रहा था, वो चूंकि हमारे बीच में था तो उसको पता होता था बारिश नहीं हुई है, फसल नहीं उगे हैं, तो फरमान जारी होकर माफी भी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है, आपको मैंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे दिया, आप मनमाना करिए। बाहर से आई हुई सत्ता किस लिए आई थी? अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बाहर से आई हुई सत्ता किस लिए आई थी? तो बाहर से जो सत्ता आई थी वो व्यापार करने आई थी, और ऐसे व्यापार का एकमात्र उद्देश्य क्या था? अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके लिए उतना ही निशेसरी है जितना कि हम वहां पहुंच के जब जूनियर हाई स्कूल के पद पर पहुंचे और हमसे सवाल किया जाए तो हमारे पास फिंगर में रटे हुए एक कालखंड रहे, इसलिए जरूरी है। हम जिस पद को जा रहे हैं उस पद की गरिमा ना गिरे, इसलिए जरूरी है। हो सकता है पढ़ाते समय एक एक मैटर, एक एक टॉपिक आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, मुझे पढ़ना था, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है आप भी पढ़ाएं और बच्चों को ऐसा लगे, इसके लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही? अब देखिए क्या है इसके बाद, जो मैंने अधिकतम लाभ बताया, अब यहां पे दो पॉइंट ऐसे समझ लीजिए। मुगल सम्राट यानी मुगलों का जब शासन था तो वो भारत में रह रहे हैं, तो इसलिए भारत को सजा रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स जो बाहर से आए किस लिए आए? अधिकतम लाभ के लिए, मैंने यही बताया। अब इन दोनों टर्म्स को समझ लीजिए थोड़ा सा। एक शब्द मैंने कहा आपसे, अधिकतम लाभ, ये मुझे लगता है दिखेगा नहीं, आ जाइए इसको देखते हैं इस प्रकार। अधिकतम लाभ और दूसरा क्या है? साम्राज्यवाद। दूसरा है साम्राज्यवाद। अधिकतम लाभ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, किस लिए आई है? व्यापार करने आई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा लेके हम फिर से अपने देश लौट जाएं, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेकर हम फिर से अपने देश लौट जाएं। इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद सबसे छोटे टर्म में आपको समझा दूं, अधिकतम लाभ की जो थ्योरी है, अधिकतम लाभ ये जो शब्द है ये क्या कह रहा है? उपनिवेशवाद यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना और लौट जाना। मतलब एक राष्ट्र द्वारा, एक देश के लोगों के द्वारा अधिकतम लाभ के उद्देश्य से किसी अन्य देश पर शासन करना, व्यापार करना और वहां से व्यापार करके लौट आना। सॉरी, शासन करना टर्म्स नहीं है। एक देश के लोगों के द्वारा किसी अन्य देश में जाकर व्यापार करना किस उद्देश्य से? इसलिए नहीं कि उन्हें भी फायदा हो, केवल अपना लाभ देखना और चले आना। इसमें क्या होता है, जो व्यापार करने गया होता है वो व्यापार करके फायदे में हो जाता है, और जिसके यहां वो गया होता है वो बेचारा टोटली समाप्त हो जाता है। और ऐसे उपनिवेशवाद में
व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, उस देश के साथ क्या हो रहा है, उपनिवेशी जो शासन सत्ता होती है, उपनिवेशी जो देश होती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको वास्तव में बहुत अच्छे टर्म में कहा जाए तो एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा एक कमजोर किंतु प्राकृतिक रूप से मजबूत देश का पूरा पूरा शोषण करके अपना लाभ उठा के चले जाना उपनिवेशवाद है। ये रुकेंगे तो नहीं, जब रुकेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ये अधिकतम लाभ लेंगे, इसलिए लूट खसोट कर रहे हैं। कंपनी से जो मिल रहा है वो भी लूट खसोट कर रहे हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा से जो मिल रहा है वो भी लूट खसोट कर रहे हैं, और बंगाल बिहार उड़ीसा से ज्यादा मिलने लगा तो कंपनी जाना छोड़ दिया। कंपनी घाटे में जा रही है मगर कर्मचारी अमीर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारतीयों का शोषण करके जितना पा रहे हैं ले ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें यहां रहना नहीं, हमें यहां से निकल जाना है। साम्राज्यवाद क्या कहता है? अब बात करें मुगलों की, जब ये यहां पर आक्रमण करके आते हैं तो आते तो लूट करके ले जाने के लिए, लेकिन इन्हें अच्छा लगा और ये बस गए। तो जब आप कहीं बस जाते हैं और वहां पर आप रहने लगते हैं तो आप उसको सजाते हैं, क्योंकि आपको रहना है, आप वहां रहने वाले लोगों के साथ आत्मीयता दिखाते हैं, आपके जो लोग हैं आपको लगता है कि वो मेरे अपने हैं। जैसे अगर अचानक कभी ऐसा हो कि कोई एक देश किसी अन्य देश पर आक्रमण करके इतनी छोटी सी कोई टुकड़ी ले ले, तो वहां रहने वाले लोग अपने आप उस देश के नागरिक हो गए और वहां वही नियम कानून संस्कृति और धर्म चलेगा जो जीता हुआ देश था। इसका मतलब एक महत्वाकांक्षी देश द्वारा अपने वैभव और योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक अपने सीमा रेखा से बाहर जाकर किसी अन्य देश पर आक्रमण करके अपना सारा अधिकार उस पर जमा देना क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। और ऐसे साम्राज्यवाद में उस देश के सारे अधिकार किसके अधीन हो जाते हैं? तो जीते हुए देश के अधीन हो जाते हैं। वहां के सारे नागरिक किसके हो जाते हैं? तो जीते हुए देश के नागरिक हो जाते हैं। वहां की सारी संस्कृति और सारी धर्म किसकी हो जाती है? तो जीते हुए देश के हो जाते हैं। और दोनों के संबंध बाद में चलकर एक दूसरे से ऐसे स्थापित होते हैं जैसे वो एक दूसरे के थे। तो इसका मतलब मुगलों के साथ की कंडीशन और अंग्रेजी शासन की कंडीशन में फर्क था। ये हमें लूट खसोट करके जाने के पक्ष में थे और ये यहां थे, इसलिए ये ताजमहल, ये अकबर का किला, ये जितनी चीजें लाल किला और ये सब जो कुछ आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आता है कि इनके द्वारा बनाई गई है, वो सजावट आपको दिखती है, क्लियर है। अब क्या कंडीशन बनी है? फिर मैंने बताया कि 1765 जैसे ही दीवानी का मिल गया, कहा बंगाल बिहार उड़ीसा का, तो कर्मचारी, वो कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जा रहे, जा कह रहे वो यहां पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लूट खसोट करके अपने घर लौटना चाह रहे। इससे क्या होता है? अब आपके समझने की चीज है। इस कंडीशन से जहां तक हम लोग पहुंचे, इस कंडीशन से क्या हुआ है? तो इस कंडीशन से कर्मचारी जो थे, जिन्हें कहां जाना था, तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी जाना था, वहां ये नहीं गए। और गए कहां है? तो ये बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी वसूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर अपने यहां लौटना है। भारतीयों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शोषण हो रहा है। यहां ये नियमित नहीं है, इसलिए क्या कंडीशन होगी आपके सामने है? अगर ये कंपनी में नियमित नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी। कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी और कर्मचारी वहां ज्यादा से ज्यादा शोषण करके अपने देश लौटना चाह रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों का क्या होगा? कर्मचारी अमीर होते जाएंगे। क्लियर है? आए किस लिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे व्यापार करने और फायदा देने। किसे? ब्रिटिश सम्राट को। कर क्या रहे? खुद अमीर होकर लौट रहे हैं। और कंपनी की स्थिति जब खराब है तो एक बड़ा सा लेटर लेके पहुंच जा रहे हैं कि कंपनी को कर्ज चाहिए, कर्ज दीजिए, क्योंकि कंपनी की स्थिति खराब है। अब आप बताइए, ब्रिटिश सम्राट ने 1600 ईस्वी का अवज्ञा पत्र जारी किया और कहा कि कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो कि व्यापारी के एकाधिकार करेगी। कहा था जब व्यापारी के एकाधिकार यह कंपनी करेगी तो किसी अन्य कंपनी, किसी अन्य व्यापारियों को कोई अधिकार नहीं था।
जब ये कंपनी टूट रही है और वो कर्मचारी अमीर बन के जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यूरोप की जनता के बीच आंदोलन हो रहा है। यूरोप की जनता अब सरकार से बहस कर रही है, बातें हो रही है कि जब कंपनी कमजोर हो रही है, कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है और कंपनी की माली स्थिति इतनी खराब है कि कंपनी को कर्ज चाहिए, तो उनका कर्मचारी इतना अमीर होके आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हम लोगों को भी क्या कर दिया जाए, व्यापार करने की छूट दे दी जाए, हम लोगों को भी व्यापार करने की छूट दे दी जाए। और जब ऐसी मांग बढ़ी और ऐसी मांग जब यूरोप के लोगों के बीच आने लगी, तो अब क्या था, अब यूरोपीय संसद को यानी ब्रिटिश संसद को इस मामले में बैठक लाने की जरूरत पड़ी, इस मामले पर बैठक लाने की जरूरत पड़ी। और कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इस बैठक में पहली बार गोपनीय समिति का गठन किया। जैसे अपने आप प्रवर समिति बनती है किसी जानकारी को देने के लिए और 12-14 दिन तक वो कार्य करती है, कार्य करने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कर दिया, एक गोपनीय समिति बना दी। और इस गोपनीय समिति को यह आदेश दे दिया गया कि आप भारत में रहने वाली कंपनी का क्या कर दे, तो भारत में रहने वाली कंपनी की जांच करें और जांच करके देखें वास्तव में कारण क्या है। बात समझ में आ गई, कंपनी काहे के लिए आई थी, कंपनी कर्मचारी क्या करने लगे, यहां आपने देख लिया भारत में। और ब्रिटिश सम्राट, चूंकि ब्रिटिश बहुत दूर है, कंपनी जहां है वहां से ब्रिटिश की दूरी बहुत ज्यादा है, अब क्या कर दिया जाए, गोपनीय समिति आती है। 1772 की यह घटना है, गोपनीय समिति आती है, भारत में चारों तरफ भ्रमण करती है, जांच करती है। और गोपनीय समिति क्या पाती है, गोपनीय समिति पाती है कि भारत में कंपनी के कर्मचारी कंपनी में नहीं जाना पसंद करते, उसके बजाय ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भारत के ऐसे राज्यों में जाकर वहां के जनता को शोषित करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा के लौट रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अब आकर ये बात जब यूरोप को बताते हैं, ब्रिटिश संसद में ये बात बताई जाती है कि कंपनी में व्याप्तता बढ़ी हुई है, कर्मचारी कंपनी नहीं आते हैं, कर्मचारी कहीं और संलिप्त है, इसलिए कंपनी क्या हो रही है, नीचे जा रही, कंपनी का आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसी के जांच के लिए और जांच के बाद इसी को व्यवस्थित करने के लिए पहली बार भारत में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए क्वेश्चन आया है, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ७७३ का चार्टर एक्ट बना, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट माना जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, आप समझ गए होंगे, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए आया, 1772 की गोपनीय समिति के प्रतिवेदन पर आया, लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में आया। 3 क्वेश्चन है आपके पास, तो ये किस लिए आया, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था प्रावधान और कैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब असफल हुआ तो 1784 की ओर हम बढ़े, फिर कैसे आगे बढ़ते गए, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी सवाल बने कि भारत के लिए पहली बार कोई एक्ट आया, तो 1773 भारत के लिए नहीं था, ना भारतीयों के लिए था, ये कंपनी को नियंत्रित करने के लिए था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी के कर्मचारी किसी भी बाहरी व्यक्ति से दान, उपहार, पारितोष, किसी भी प्रकार की चीज को नहीं लेंगे। क्लियर है, यानी ये जब आया है तो ये एक प्रकार से नियम और कानून था जो लिख कर आया है। और यही नियम और कानून जो पहली बार भले ही कंपनी के कर्मचारी के लिए आया हो, भारत के संविधान की प्रथम सीढ़ी बन गया, भारत के संविधान की प्रथम सीढ़ी बन गया। और जैसे ही ये आता है, इसमें संशोधन की मांग उठती है, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक्ट आते रहेंगे, धीरे धीरे इनके कारण आगे चलकर भारतीयों के मन में जन चेतना, बुद्धि चेतना जागृत होगी और भारतीय अब अपनी मांगों को शुरू कर देंगे, यानी वो मांग जो अब तक भारत ने न जाने कई सदियों से उठाया नहीं था। धर्म जाति के आधार पर इनके साथ शोषण हो रहा था और ये अब तक कुछ नहीं कर पाए थे, वो मांग कौन लेगा, वो मांग लेंगे अब भारतीय। और भारतीय इस बात की
क्या कर रहे हैं अब भारतीय जारी 1773 जो एकमात्र ऐसा पहला रेगुलेटिंग एक्ट है जिसने पहली ही बार में सीढ़ी बना दी हो संविधान की, बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये संवैधानिक काल का विकास क्यों आता है, हर देश के संविधान के निर्माण में आता है, याद रखिएगा संवैधानिक काल का विकास, वो कौन सा विकास होता है, तो जब आप और हम किसी भी देश के नागरिक वहां पर शोषित हो रहे हैं और शोषण के बाद वो जब मांग करते हैं तो जो बीच का संक्रमण काल होता है जिसमें उनकी मांगों को की समीक्षा की जाती है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं कुछ नहीं दिए जाते हैं या अधिकारों को बर्बरता पूर्वक कुचला जाता है फिर भी मांग बढ़ती रहती है, ये काल कहलाता है संवैधानिक काल का विकास जो बिना इतिहास के संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है किसी भी देश में संविधान बना दिया जाता है, बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है मैंने ये बताया, फिर संविधान बना तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आज का लेक्चर हम लोग इसको पढ़ रहे थे। तो याद रखिए दोस्तों हमने कोशिश की है कि सारी टॉपिक इस प्रकार से क्लियर हो कि आपके इसके अलावा भी जितने एग्जाम्स हो वो क्लियर हो जाए, इसके अलावा भी जितने एग्जाम्स हो वो क्लियर हो जाए, इस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी आपके साथ बढ़ा रहे हैं। और फिर मैं कहूंगी कि याद रखिए जो ये लेक्चर स्टार्ट हो गया है ये क्लासेस है, ये नियमित चल रही कक्षाएं हैं, हम आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन या लुभावन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अच्छी चीजें अच्छे मैटर मिल रहे हो तो देखिए और संपर्क करिए, एडमिशन लीजिए, नियमित कक्षा पाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।